तो गाइस मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ पंचतारा से, एज माय फेवरेट प्लेस. मैं ऊपर रुकी थी वहाँ पर लव के साथ, एंड ऑब्वियसली इट्स मॉर्निंग. मॉर्निंग है ज़्यादा टाइम, आई गेस स्नैप छोड़ दो. ओके सो यहाँ पर चल रहा है इस वक्त काम, क्योंकि गेट चेंज हो चुका है इनका, गेट बड़ा हो चुका है पहले से. स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से. इस वक्त हो रहे हैं 10:30. कौन है कह रहा? आज गाड़ी साफ करने की ड्यूटी लगी है मम्मा की, और मम्मा गाड़ी साफ कर रही हैं. चेक करो, मम्मा ने गर्म पानी लिया और कपड़ा मारा कहीं से, एंड सही है यार. थैंक यू सो मच. इट्स मॉर्निंग और देखो क्या मौसम है यार, मतलब इट्स लाइक अमेजिंग. यहाँ बारिश हो रही है, कितनी मतलब बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है यार. बारिश मुझे बहुत प्यारी लगती है. मैं निकल रही हूँ आगे के लिए. मैं हूँ अभी, आप लोगों को पता है मैं गाँव का सोल हूँ ऑब्वियसली. This is like beautiful, look at just this. So मैं रुकी हूँ पंचतारा के साथ guys, and जो ये property है ये मेरी one of the favorites property आप कहोगे है, exactly है. ये वही room है जहाँ पर लव और मैं रुके थे. Unfortunately ये room जल गया था. ऊपर एक bed है, सामने मेरे sofa है, और नीचे एक bed है. अगर आप stairs से नीचे जाओगे तो उस side bed है. दोनों side बहुत ही प्यारे व्यू हैं. इवन रूम गर्म हो जाएगा जो वो चल रहा है. मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ. फैंटास्टिक अलमीरा है यहाँ पे. अब कहोगे फैंटास्टिक क्यों है? क्योंकि मेरा तो सारा सामान आ गया. इट मीन्स कि अगर आपके कपल्स, आप लोग 4 लोग 5 लोग हैं, फैमिली लोग हैं, सो दिस इज मेरा सामान, देर इज़ मम्मा का सामान नीचे, एंड यहाँ पे हमने नॉर्मल चीज़ें रखी है, अपने नॉर्मल बैग्स एंड ऑल. वॉशरूम एक है, बट ओके दिस इज़ द वॉशरूम विद द यूटिलिटीज, विद द टॉवल्स, विद एवरी थिंग्स, जो बेस्ट चीज़ें होती हैं, विद गीजर ऑल्सो. एंड हम चलते हैं अब बालकनी की तरफ. ओके आई वाज जस्ट चेकिंग द राइट्स. ठीक है, तो ये मिरर है. मिरर इतना टाइम बाद मैंने मिरर देखा, ऐसा फील हो रहा है. मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मेरा काम देखती हूँ. सो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सिटिंग व्यू है विद बेड रूम एंड विद दिस ऑसम व्यू. यार जस्ट लुक एट द व्यू, कितना सुंदर है. एंड जस्ट लेट मी जस्ट गो आउट फ्रॉम द बालकनी. अगर आप जाना चाहते हैं, बाहर का व्यू देखना चाहते हैं, थोड़ी देर रुकना चाहते हैं, एंड सबसे बड़ी चीज़ द मेन मार्केट, द मेन मार्केट ऑफ दिस प्लेस इज जस्ट राइट साइड, मेरे राइट साइड पे, मतलब इस साइड पे यहाँ पे मेन मार्केट है. प्लस मैं आपको अब दिखाती हूँ बाहर की चीज़ें जो यहाँ पे सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है. हाँ आ जाओ. मम्मी वॉज लाइक, मैं जब तक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ रुकी हुई थी, एंड शी इज़ हियर. ये रूम सबसे टॉप रूम है इनका, एंड आई जस्ट लव दिस रूम. एंड आप नीचे से व्यू देखो, मतलब यहाँ का व्यू. इन्होंने नया कैफेटेरिया भी खोला है, जो सामने आप कैफेटेरिया देख रहे हो वो इनका नया कैफेटेरिया. आई जस्ट लव इट यार, मतलब लुक एट द व्यू. अगर इट्स ब्यूटिफुल राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और मेरे ना सामने जस्ट उस तरफ वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्वती वैली, मतलब पार्वती रिवर है बेसिकली. पार्वती वैली में तो मैं खड़ी हूँ. तो दिस इज़ माई रूम 2 ऑफ पंचतारा फॉर टुडे. होप यू लाइक द रूम. कमेंट करके बताओ रूम कैसा है पंचतारा का. मम्मी कह रही है मैं ऊपर सोऊंगी. ठीक है आप सो जा रहा ऊपर, मैं नीचे सोऊंगी. ठीक है डन. ऊपर का व्यू बहुत प्यारा है. मम्मी कह रही अच्छा है, तेज़ी बोल लो. अरे सिर्फ कह रही है अच्छा है. तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे एंड मम्मा नीचे बैठी हुई है, एंड फ्रूट मेरे रखे हैं वो नीचे. प्लस व्यू आज का बहुत प्यारा है. अभी जस्ट बारिश होके रुकी है, और पूरी बारिश भी नहीं हुई है, सुपर बर्फ पड़ी है, बर्फ़ ज़्यादा लग रही है, पर फिर से धूप आ गई. तो अब मैं काम करूँगी बैठ के. मंसारा मैं मम्मी कह रही है ऐसे ऊपर सोएंगी. नहीं मम्मी, मम्मी ऐसे बेड होने चाहिए घर पे, मुझे ऐसे बेड चाहिए. आप नहीं सो पाओगे? मम्मी नहीं, मैं नहीं सो पाऊंगी, मुझे सिंपल बेड चाहिए. या लुक एट द रूम टीवी के साथ विद द व्यू. हाँ जाओ आ जाओ. के साथ मम्मा खा रही है खाना, और मम्मी खा रही है मिक्स वेज फाइनली, और तंदूर की रोटी. कैसी है रोटी? सॉफ्ट है?
पक्का सॉफ्ट है, जैसे अलमारियाँ बंद नहीं है हमारी। अभी खा लेती हूँ, आई एम प्रीटी हंग्री राइट नाउ एंड आई एम थिंक कि मैं थोड़ा सा काम भी कर लूँ खाते खाते। फ्रूट्स खाने में भूख ज़्यादा लगती है। अच्छा, मम्मी ने अभी फ्रूट्स खाए हैं, मेरे को भूख ज़्यादा लग रही है। एग्जैक्टली, फ्रूट खाने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैं भी कुछ खाई अगर तुम अंदर घूमोगे ना, आई मीन होटल में, तो तुम्हें इतने लंबे लंबे शीशे मिल जाएंगे जिसमें तुम अपने आप को उतार सकते हो, तुम कितने मोटे लग रहे हो, तुम कितने पतले लग रहे हो, तुम कैसे लग रहे हो। मोटे तो मोटे ही दिख रहे हैं ना, क्या करें। लुक एट दी व्यू, लाइट को लाइटें जल चुकी हैं, बॉनफायर चल रहा है। हेलो एंड ऑब्वियसली पता सबसे अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे लेटस वगैरह, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्या है, स्कैली फ्लावर एंड ऑल, पता नहीं किस किस के पौधे हैं। भाई मम्मी को बहुत शौक है, मैं मम्मी को थोड़ी देर में ना नीचे लेके जाऊँगी, उनको दिखाऊँगी पौधे। और हम कर रहे हैं कुछ रूम्स की शूट, जो हम जिस रूम में जा रहे हैं वो है 305। और देखो रूम हाउस भी वाली चीज़, मतलब बेल बजा के निकलना है, मैडम अब लाइटें जलाएंगी। तो आप अगर ये प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं तो आपको रूम्स मिनिमम कितने प्राइस का होगा? स्टैंडर्ड रूम 2500 का मिनिमम प्राइस है, मगर मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइसेस चेंज हो जाते हैं जैसे ही कोई फेस्टिवल या फिर कुछ आता है, ओकेजन आता है। और सारे रूम सबसे बेस्ट चीज़ व्यू के साथ है, जैसे सिंपल सा व्यू है बट व्यू है हमारे पास, पता है यहाँ से निकल के वहाँ तो मतलब मस्त व्यू तो उधर है। ये हमारा सबसे बेस रूम है जो सबसे फर्स्ट फ्लोर पर है, मैं रुकी हूँ टॉप फ्लोर पर। टॉप फ्लोर पे सबसे महंगे रूम है, और मैडम ने चला दिया पंखा इतनी ठंड में, तो पंखा भी अवेलेबल है, इसका मतलब वो मैडम ये दिखा रही है। एंड लेट्स एंटर इन द रूम विद अ अटैच वॉशरूम टॉयलेट। एंड दिस रूम के कितना कॉस्ट होगा विद टीवी? हाँ, ब्रेकफास्ट है आपके पास? अच्छा, विदाउट ब्रेकफास्ट? अच्छा, ब्रेकफास्ट के साथ हम रूम नहीं करते। चलो गाइस, याद रखना अपना ब्रेकफास्ट, पहले बोल रही हूँ, इनको फ़ोन करके बोल देना हमें ब्रेकफास्ट प्लीज़ इंक्लूड करवा दो कुछ करके। आई एम जस्ट किडिंग। सो आज का मैं लास्ट रूम दिखाते हुए आप लोगों को, दिस इज बेडिंग, दिस इज ब्यूटीफुल रूम। ये कितने का चार्ज है यार इसका? ये खोलना इसकी बालकनी। सो बेसिकली मतलब पानी हीट करने वाला गर्म तो आई गेस हर रूम में अवेलेबल है ना आपके? सो बेसिक नीड्स हर रूम में अवेलेबल है, शैम्पू, पानी गर्म करने वाला एंड गीजर विद यू नो। सो हम बाहर की तरफ चलते हैं, मगर इस रूम के साथ यू नो गाइस व्यू है हमारे, जो इसके ऊपर वाला भी रूम था ना। रेडी हो गए, नीचे इवेंट हो रहा है, हम जा रहे हैं इवेंट पे, मम्मी रेडी हो रही हैं, बूट जुराबे पहन के, और मेरे को फिनिशिंग टच करना थोड़ा सा। तो रेडी टू गो, चल नीचे चले। सो आज की रात खत्म होती है, ये ना मेरा बेड ऑलरेडी हीटर ऑन है, मैं हाफ इसलिए रही हूँ कि मैं चिड़िया चढ़ी आई हूँ, पर मम्मा सो गई, मम्मा ने तो कपड़े ऐसे टांगे हुए। अच्छा, ये रही मम्मा, मम्मी अपने कपड़े क्या टांगे हुए? घर पे ना लेती मम्मी कभी कभी जगह को। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, होप यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट इफ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग अबाउट दिस प्लेस, तो ये मेन मार्केट में है, मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। और सी यू टुमारो विद नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि कल मैं घर जा रही हूँ। सी यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस।